चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे भिड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और थानों में गाय बैल न हो तो भी मैं यहुवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा गॉड रिमाइंडेड मी हबकुक थ्री सेवनटीन एंड एटीन कि हबकुक की तरह हमारे जीवन में भी हम प्रसन्न रहें परिस्थितियों में भी और प्रभु उस फल को आत्मा के फल को उस जोय को हम देखना चाहते मैं देखना चाहती हूँ और इसी बात पर मैं जब मनन कर रही थी तो एक और बात प्रभु ने याद दिलाई वो है होना का सुसमाचार उसके चौदहवें अध्याय में मेरा ध्यान उन्होंने आकर्षित किया ये वो समय था जब यीशु मसीह के क्रूज़ पर चढ़ाने का समय आ रहा था और हम जानते हैं वो बहुत ही हम सब जानते हैं वो लास्ट सपर जो उन्होंने अपने चेलों के साथ खाया था और उसके बाद ये के कि तेरहवें अध्याय में उसके बारे में लिखा हुआ है और उसके बाद यीशु वहाँ उनको क्या बता रहे हैं कि मैं अब ज़्यादा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और वो उनको बताते हैं कि तुम में से ही एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा और ये बातें सुनकर चेले परेशान हो गए वो यीशु जिनके साथ वो पिछले साढ़े तीन साल से चल रहे थे जिन्हें उन्होंने मसीहा माना हुआ था जिनको अपने जीवन में गुरु बनाया था और अपना सब कुछ उनके पीछे उनके एक शब्द के अनुसार करने को तैयार थे और अब वो यीशु ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मध्य में ज़्यादा नहीं रहूँगा मेरा जाने का समय आ गया है तो वो चेले विचलित हो गए थे परेशान हो गए थे और वो वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है और ये शु य चौदह और उसके पहले पद में शुरुआत वहां पर ऐसे थे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो यहाँ प्रभु जानते हैं वो चिंता में है वो परेशानी में है जैसे आज हम इन सब खबरों को सुनकर इस परिस्थिति को देखकर हमारे चारों ओर जो हो रहा है इस सबको देख कर, हम भी परेशान हो रहे हैं यीशु कहते हैं तुम व्याकुल ना हो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो और उसके बाद यीशु उनको बताते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं तुम्हारे लिए वहां पर आई एम गोइंग टू मेक मैं वो वर्ड बहुत सुंदर है और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा क्यों क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और वहां पर वो उस पवित्र आत्मा के भेजे जाने का वायदा करते हैं वो बोलते हैं मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा मैं इस संसार में पवित्र आत्मा को भेजूंगा वो सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा तुम्हारे साथ बना रहेगा एंड उसके बाद ये वचन था जो मेरे को टच किया जो है यहुन्ना चौदह उसका सत्ताईस उधर लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन न घबराए और न डरे और इस पद को ही आधारित करते हुए आज का जो संदेश है इसका शीर्षक चुना शांति मुश्किल हालातों में पीस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल और यह वचन सुनकर मैंने प्रभु से बोला गॉड आई वॉन्ट दैट पीस हम आपके बच्चे हैं हम आपके पवित्र आत्मा से भरे हुए वो लोग हैं जिनको आपने चुना है अलग किया है और प्रभु इन मुश्किल हालातों में जैसे आसपास लोग हताश हो रहे हैं निराश हो रहे हैं आशा को खो रहे हैं और खास करके भय से भर रहे हैं और ऐसे एक सिचुएशन में प्रभु आपकी शांति है जो हम चाहते हैं और आज ये जो वचन मैं आपके लिए लाई हूँ कि प्रभु की शांति इन मुश्किल हालातों में आपके जीवन में वो वास करने पाए वो पूरी तरह आपका कब्जा करने पाएँ हर बातों के परे चाहे आपके चारों कितनी भी बातें नेगेटिव या नकारात्मक क्यों ना हो रही हो प्रभु येशु की शांति आपके जीवन में आने पाए यीशु क्या चाहते हैं हमारे जीवन में और उसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि हम प्रैक्टिकल रीति से किस तरह इन नकारात्मक बातों पर विजय पा सकते हैं माई पीस आई लीव विथ यू आई लीव माई पीस विथ यू आज यशु हमसे भी यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं उन्होंने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं एक सहायक को भेजूंगा और उस प्रॉमिस के बाद वो कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और उसके बाद वो इट इज़ लाइक एक तोहफा दे रहे हैं गिफ्ट दे के जा रहे हैं वो क्या है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ उसके बाद वो गिफ्ट के बारे में और बता रहे हैं क्या है अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ इट इज़ हिज पीस हिज पर्सनल पीस एक ऐसा तोहफा जो उनका खुद का है चेलों ने देखा था उनके इस सांसारिक जीवन में कि किस तरह हर परिस्थिति में ये साढ़े तीन साल में अलग अलग परिस्थितियों में यीशु की अंदर वो शांति थी चाहे उनके अगेंस्ट फरीसी और जो बड़े बड़े महायाजक और याजक लोग उनके विरुद्ध में आए तब भी उनने उस शांति को बनाए रखा जब लोग उनको फंसाने के लिए अलग अलग सवाल पूछते थे तब भी उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उस शांति को बनाए रखते हुए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए विजय ली ये क्यों हुआ उनके साथ क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे नहीं लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र थे वो सही है किंतु वो उस रिश्ते को अपने पिता के साथ बनाए रखते थे जैसे हम देखते हैं मरकुस एक के पैंतीस में लिखा हुआ है कि वो उस बड़े भोर को उठकर प्रार्थना में जाता था हम जानते प्रभु यीशु रात रात भर पिता के साथ प्रार्थना में लगा रहा था वो जो रिलेशनशिप था वो कारण था उनके जीवन में वो शांति का और वही है सीक्रेट हमारे जीवन में भी यदि हमें उसके उस शांति को अपने जीवन में बरकरार रखना है इफ यू वॉन्ट टू हैव हिज पीस वी नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप अगला क्या कहते हैं जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता मतलब ये जो शांति है वो संसारिक शांति नहीं है हर जगह हम शांति की बातें सुनते हैं कि संसार की तरह नहीं संसार की जो शांति है वो किस पे आधारित है आपकी परिस्थितियों पर आधारित है या आ, आपके हालात जो आपके आसपास हैं इट इज़ अ सर्कमस्टैंशल पीस द पीस ऑफ दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंसेस आपके आसपास हालात कैसे हैं उस पर निर्भर है कि आपके जीवन में शांति है कि नहीं यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको बहुत तंग कर रहा है बहुत प्रेशर डालता है तो यूजुअली लोग क्या कहते हैं चलो थोड़ी दिन आप कोशिश करते हैं फिर सोचते हैं कोई और जॉब ढूंढ लो उस परिस्थिति से बाहर आ जाओ परिवार में प्रॉब्लम्स हैं तो लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं जल्दी से हम साथ नहीं रह सकते हम अलग होना चाहते हैं शांति नहीं है सब शांति चाहते हैं शांति नहीं है इसीलिए वो उस परिस्थिति से या उस हालात से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मेरी शांति जो शांति मैं देता हूँ वो तुम्हारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है वो उससे इससे कोई मतलब नहीं कि आपके आसपास क्या हो रहा है लेकिन वो ऐसी शांति है जो समझ से परे है और इसी के बारे में फिलिपियोचार के साथ परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसी यीशु में सुरक्षित रखेगी ये वो शांति है जो आपकी परिस्थितियों पर निर्धारित नहीं है हालात कैसे भी हों, मैंने इसलिए बोला शांति मुश्किल हालातों में अब उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूं शांति समझ से परे पीस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हमारे प्रियोजन इस दुनिया से हटा लिए गए तो हम कैसे शांत रह सकते शायद आप पूछेंगे लेकिन उस समय में ही है दैट यू रिसीव दैट पीस दैट इज नॉट फ्रॉम ह्यूमन पर्सन इट इज फ्रॉम द डिवाइन गॉड वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता आपके अंदर और आप यदि उससे मांगेंगे इसके फिलिपियों चार के छः में लिखा है कि क्या प्रार्थना और विनती वो मैं आगे बताऊंगी, जब आप उसको पुकारेंगे तो उसकी जो शांति जो समझ से परे है आपके हालातों के परे है आपके हर दुख से परे है वैसी शांति आपके जीवन में कब्जा कर पाएगी और वह क्या कहता है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी इट इज़ अ टू फोल्ड पीस वो सिर्फ आपके हृदय में शांति नहीं देगी लेकिन आपके मन में भी योर माइंड एंड योर हार्ट कई बार कहते हैं कि डोंट टेक अ डिसीशन विथ योर हार्ट यूज योर ब्रेन ऑल्सो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि दोनों आपका दिमाग और हृदय दोनों को वो शांति देता है ऐसी है जो शांति परमेश्वर की ओर से आती है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगी हम सब कई बार इसको बोलते हैं ये है पोलस और सीलास की कहानी जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम सोलहवें अध्याय में वहाँ पच्चीसवें पद में लिखा है जब वो फिलिपी में थे वहाँ पर उनको खूब मैसेडोनिया में मारा गया और उनको इतने कोड़े मारे गए और उनको कहाँ डाला गया बंदीग्रह में डाला गया हाथ पैर बंदीग्रह में जंजीरों से जकड़े हुए हैं और उस परिस्थिति में वो क्या कर रहे हैं क्या है उनके सर्कमस्टेंस, उनके हालात कैसे हैं खुशी के हैं आनंद के हैं नहीं उनको रोना चाहिए था उनको परमेश्वर से पूछना चाहिए था कि ए, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों जबकि हम आपके नाम का प्रचार कर रहे हैं लेकिन उस परिस्थिति के परे क्या वो कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर की शांति परमेश्वर का आनंद उनके जीवन में था दिस इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट विच इज रिटर्न लव जॉय पीस प्रेम आनंद शांति ये पवित्र आत्मा के फल हैं वो उनके जीवन में उस समय प्रकट हो रहे थे और इसलिए क्या वचन कहता है कि वो वहां पर प्रार्थना और आराधना कर रहे थे स्तुति गान कर रहे थे अर्धरात्रि में रात के बारह बजे उस दर्द में वो क्या कर रहे थे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की शांति थी परमेश्वर का आनंद था यही शांति है जो हमें पाना है आप सोचेंगे कि क्या सच में यीशु हमें देना चाहते हैं एक बात मैं बताऊं, जब ये चेले मैंने बोला यीशु की मृत्यु की जब बातें हुई तो वो घबरा गए थे चिंता में थे दिवस फियर दिवस अनसर्टन और उसको और बढ़ाने के लिए क्या हुआ यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया वो मसीह जिसका राज्य स्थापित होएगा करके वो सोच रहे थे वो मारा गया एंड एवरीथिंग इज ओवर उनको लगा सब कुछ खत्म हो गया लेकिन वहां खत्म नहीं हुआ तीसरे दिन यीशु जी उठे फिर भी वो चेले डरे थे फिर भी वो चेले घबराए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था पिछले साढ़े तीन साल तो यीशु पूरे समय हमारे साथ थे अब यीशु भले ही मर कर जी उठे हैं लेकिन अब वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है हम आगे क्या करें हम कहाँ जाएं वो चिंता में थे वो घबराए हुए थे और उसके बाद लिखा है कि यीशु उनके मध्य में प्रकट होते हैं और मैंने नोटिस किया जब भी यीशु एकाएक उनके बीच में आए तो यीशु के पहले शब्द क्या थे द फर्स्ट थिंग दैट इज सेड पीस बी अन टू यू तुम्हें शांति मिले योहन्ना 20 के 19 में पद में लिखा है ऐसा लिखा है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले सबसे पहला शब्द यीशु ने क्या बोला तुम्हें शांति मिले क्योंकि वो वहां पर एक साथ कैसे बैठे हुए थे डर के मारे यहूदियों के डर के मारे वो घबराए बैठे हुए थे इस समय भी हम शायद अपने घरों में डर के मारे सिमटे हुए हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे बाहर कदम रखें बाहर कदम रखें कुछ काम के लिए भी जाते हैं तो हमारे मनों में यही विचार चलता रहता है कहीं से इन इन्फेक्शन न लेके आए न केवल हम लेकिन हमारे परिवार वाले भी एट रिस्क हैं इसी तरह चेले वहाँ डरे बैठे थे और में लिखा येशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले येशु उनसे बार बार क्या कह रहा था तुम्हें शांति मिले ही स्पीकिंग पीस अपॉन देम इन इन दिटुएशन आपकी परिस्थिति में आज वो चाहता है कि आप भी उस शांति को पाए वह शांति जो समझ से परे है यही है वो आखिरी जो येशु इस पद में कहता है तुम्हारा मन न घबराए और तुम न डरो और न डरे यीशु नहीं चाहते कि हम परिस्थितियों को देखकर डरे या घबराएं लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो चाहते हैं हम उस सामर्थ को पाएं दूसरा तिमुती एक साथ में क्या लिखा है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं किंतु सामर्थ प्रेम और संयम की आत्मा दी है हे प्रभु आप अपनी शांति को दीजिए और तब मेरी पढ़ते पढ़ते मेरे नज़र यशाया उसके तीसवें अध्याय तीस के पंद्रह में पहुंचा और वहां पर ऐसा लिखा है प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है परंतु तुम तुमने ऐसा नहीं किया ये इज़राइल के विषय में लिखा है कि जब इज़राइल पे बहुत ही बुरा समय यह शाया वो प्रोफेसी कर रहा है और उस समय क्या था लोग सारे परमेश्वर से दूर चले गए थे और उस समय परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है लौट आने में शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है ओनली इन रिटर्निंग टू मी एंड रेस्टिंग इन मी विल यू बी सेव्ड इन क्वाइटनेस एंड कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ तो आज हमें क्या करना है हम किस तरह उस शांति को पा सकते हैं हम किस तरह प्रभु की उस शांति को ग्रहण कर सकते हैं उसके सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी पहली बात है रिटर्न टू द लॉर्ड योर गॉड अपने प्रभु के पास वापस आए आप पूछें कि कैसे वापस आना है कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में भी प्रभु से दूर हो जाते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं सबसे पहली बात एक रिलेशनशिप यीशु ने अगर वो रिश्ता बनाए रखा तो आप और मैं कौन है हमें भी वो रिश्ता बनाना है हमारा वो रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है आर वी इन दैट डीप रिलेशनशिप क्या आप अपने आप को जाँच सकते हैं क्या मैं अपने आप को जांच रही हूं कि प्रभु क्या मैं आपसे कहीं दूर हो गई हूं कहीं मैंने आपको ठोकर पहुंचाई है कहीं पर कुछ बात है जो आपको प्रसन्न नहीं करती यदि ऐसा है तो मैं वापस आपके पास उस रिश्ते में आना चाहती हूं जिसके द्वारा आप आनंद पाए आप शांति पाए आप प्रसन्न होएं सो फर्स्ट थिंग इज रिटर्न टू द लॉर्ड योर गॉड या प्रभु की ओर लौट आओ दूसरी बात जो यहां लिखा है शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है दूसरी बात है शांत रहो या रेस्ट इन मी प्रभु में रेस्ट आराम करना मैं जब इसके बारे में सोच रही थी तो एकदम मेरे को एक एक इंसिडेंट याद आया जो हमारे ही जीवन में हुआ था हमारा जब बड़ा वाला बेटा जो सिर्फ एक साल का था तो उस समय हम चंडीगढ़ में रहते थे और मेरे इन लॉज़ केरला में थे तो गर्मी के समय में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ टाइम जाके उनके पास रहते हैं उनके साथ भी उनको भी अपने पोते के साथ समय मिलेगा ये भी उनके साथ बॉन्ड कर पाएगा और इसलिए मैं और मेरा बेटा क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब था उनको उतनी छुट्टी नहीं थी तो उन्होंने बोला मैं एक महीने बाद आऊँगा तुम जाओ और हम मैं और मेरा बेटा केरला चले गए मम्मी पापा के पास और वो एक महीना मैं उनके साथ रही और उस समय मैंने देखा कि वो चाहे एक साल का ही था लेकिन वो लोगों को पहचानने की उम्र में था और वो बहुत इनसेर फील करने लगा था कि एकदम से पापा नहीं दिख रहे सिर्फ मम्मी हैं और उस समय में वो मुझे भी कहीं जाने नहीं देता था कहीं एक मिनट के लिए भी अगर वो मुझे देखे नहीं तो ढूंढ के तो आता था कि मैं किधर हूँ ये वो वाला समय था और एक महीने के बाद जब मेरे हस्बैंड पहुँचे तो हम देखना चाहते थे कि आखिरकार ये रिएक्शन कैसे देता है और मुझे अच्छे से याद है जब वो आए तो ये मेरे गोदी में था और उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया उसकी ओर और उसने बहुत गौर से उन्हें देखा एक मिनट तक देखता रहा और बिल्कुल कूद गया उनके हाथ में उसने पहचान लिया और उसके बाद जो उसने किया वो हम सब के मनों में पूरी तरह बस गया है उसने अपने सर को उनके कंधे में रखा दोनों हाथों से पकड़ा और अगले 45 मिनट के लिए वो हिला नहीं वो चिपका रहा उनसे वो इस खुशी में था वो बच्चा कि उसके पिताजी वापस आ गए हैं या उस उनके पास वो वापस है और वो बात आज भी मुझे याद है और जब मैं ये पढ़ रही थी कि रेस्ट इन मी शांत हो जाओ दिस इज वॉट केम इन टू माई माइंड प्रभु पर जस्ट उस उनको पकड़ लो योर पीस इज इन हिम शांत रहने में उसमें आराम करने में ही आपको आपकी भलाई है या तुम्हारा उद्धार है दिस इज वॉट गॉड वानस एक बच्चा जैसे अपने माता या पिता को पूरी तरह उन पर ट्रस्ट करता है उस तरह आप भी पूरी तरह शांत हो जाएं। और दूसरी बात यही है आगे कहता है शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है थर्ड पॉइंट फर्स्ट था रिटर्न टू द लॉर्ड उस वापस आए प्रभु की ओर लौट आए दूसरा था शांत रहो और तीसरा है प्रभु पर भरोसा रखो जैसे मैंने कहा एक बच्चा जिस तरह अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा रखता है क्या हम उस प्रभु पर भरोसा रख पा रहे हैं क्या हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु चाहे मैं समझ ना पाऊँ ये सब बातें मेरे समझ के परे हैं मैंने जो उस बात पर विश्वास किया जिस बात को मैंने कन्फेस किया शायद वैसा भी नहीं हो रहा हो जिसकी मैं आशा रख रहा था या रख रही थी शायद वो पूरा नहीं हो रहा हो लेकिन क्या उस समय भी आप उस पर भरोसा रख सकते हैं कि हाँ वो प्रभु है और वो हर बातें मिलकर आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी क्योंकि ऐसा उसके वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो हम सबसे पहले जब बातों को सुनते तो सबसे पहले हमारे मन में चिंता आती है लेकिन क्या चिंता करने से एक सोल्यूशन निकल रहा है नहीं हम जानते हैं हम किसी अपने प्रियजन के बारे में सुन रहे हैं जो हमसे मीलों दूर हजारों मीलों दूर होगा जो अलग स्टेट में हैं अलग एक शहर में हैं या हो सकता है आपके बगल में भी हो लेकिन क्या हम चिंता कर कर कुछ कर सकते हैं नहीं फिर भी हम क्या करते हैं चिंता करते हैं तो वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। पद जब मैं पढ़ रही थी मुझे वही याद आया शायद इंस्टेड ऑफ वरिंग स्टार्ट प्रेइंग फॉर इट मेक इट योर प्रेयर पॉइंट वही है यहां पर चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती इट्स लाइक like गिड़गिड़ाना परमेश्वर की उपस्थिति में और किसके द्वारा धन्यवाद के साथ मैं उसमें नेक्स्ट पॉइंट में आऊंगी सबसे पहले हमें क्या करना है चिंता हटाना चिंता से कोई फायदा नहीं है इट इज नेचुरल बट ओवरकम दैट वरी उस चिंता को आप जीतिए किस से प्रार्थना से चिंता हटाकर प्रार्थना करें और तब वचन साथ में पद में कहता है तब परमेश्वर की शांति जो तुम समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी तो चौथी बात हमें क्या करना है हमें चिंता नहीं करना है किंतु हमें क्या करना है हमें प्रार्थना करना है पांचवी बात है स्तुति आराधना करना है वही जो पॉलिस और सीलास उस बंदीगृह में कर रहे थे वही जो हम यहोशफात की जब कहानी पढ़ते हैं जब वो युद्ध के लिए खड़ा था प्रभु ने उसे कहा बैटल इज़ माइन बैटल इज़ नॉट योर्स बैटल इज़ माइन युद्ध मेरा है और उसने क्या किया यहोशफात और उसके आर्मी ने क्या किया उसके लोगों ने क्या किया उन्होंने स्तुति की परमेश्वर आज भी यही चाहता है कि हम घबराने से कोई फायदा नहीं है हम ये कुछ ना करें किंतु क्या करें उसकी आराधना करें धन्यवाद के साथ अपने भेंटों को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएं धन्यवाद के साथ हमारे प्रार्थनाओं को उसकी उपस्थिति में ले जाएं इब्रानियों तेरह का पंद्रह कहता है इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें स्तुति रूपी बलिदान सैक्रीफाइज ऑफ प्रेज लेट अस ऑफर सैक्रीफाइज ऑफ प्रेज ऑल द टाइम पूरे टाइम नेगेटिव बातें ना सोचते हुए क्या हम उसको स्तुति आराधना कर सकते हैं वर्शिप सॉन्ग सुनिए गाइए अपने वातावरण को उससे भरिए और छठवी बात जो मैं आपके सामने कहूंगी वो है वचन को बोलना स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन तो आप अंगीकार करें या घोषणा करें वचन सुनते रहे कानों में लगा लीजिए सुनते रहिए सुनते रहिए वो आपके हृदय में कार्य करेगा उसी तरह वचन को बोलते रहिए क्योंकि नीति वचन अठारह के इक्कीस में क्या लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा मन में जब नेगेटिव विचार आए जीवन और मृत्यु कहाँ पर है आपके होठों पे है तो मन की बातों को हटाने के लिए क्या करना है कन्फेस विथ योर माउथ ये नहीं बोला है कि जीवन और मृत्यु मन में जो बातें हैं उस, उस पर है नहीं जीवन और मृत्यु क्या है दोनों आपके जीव के वश में तो यू हैव द चॉइस टू स्पीक लाइफ आपके पास वो चुनाव है आप किस बात को चुनते हैं क्या वो नेगेटिव बातों को चुनकर उस पर ड्वेल करना आप चुनते हैं या परमेश्वर के वचन को खड़े होकर उसकी घोषणा करना चाहते हैं वचन कहता है परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है रोमियो आर्ट के अट्ठाइस में ऐसा लिखा है चाहे वो मसीही हो जो भी हो वो विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलकर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करती है बहुत से लोग कह रहे अरे बहुत लोग मर रहे हैं वचन क्या कहता है भजन संहिता इक्यान के साथ में लिखा है तेरे निकट हजार और तेरे दाइने और दस हजार गिरेंगे परंतु वो तुझे न छुए छूने पाएगा कई बार लोग कहते हैं वो बहुत सीरियस है बचने की उम्मीद नहीं है मरकुस कुछ पाँच के छत्तीस में लिखा हुआ है मत डर केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी वैसे ही बहुत सी बातें हैं लोग कहते हैं मुझे डर लग रहा है क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया परमेश्वर का वचन कहता है यह शू एक के छः और सात में और युहन में भी लिखा है कि क्या मैं न तुझे छोड़ूंगा मैं न तुझे त्यागूंगा हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति हर जगह बहुत खराब है कैसे होगा परमेश्वर का वचन भजन चौंतीस के दस में क्या कहता है जवान सिंहों को तो घटी होगी परंतु यहोवा के दरवयों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी क्या आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करेंगे क्या आप अपने मुख से परमेश्वर के वचन को बोलेंगे जब भय आता आपके अंदर उस पर परमेश्वर के वचन को घोषित करते हुए उस पर विजय लें जब आप सोचते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए सहने से बाहर है तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा हमको नहीं दी गई जो हम जिस जो हमारे सहने से अधिक हो वो हर परीक्षा में भी हर मुश्किल में एक रास्ता ज़रूर बनाता है ही मेक्स अ वे आउट इन एवरी ट्रायल इन एवरी सिटुएशन विल यू क्लिंग टू हिम क्या हम तैयार हैं उसके बिल्कुल चिपकने के लिए जैसे मैंने कहा ये कुछ बातें जो वचन पर आधारित हमें करनी चाहिए चार बातें मैंने उस पद से कही कि क्या है प्रभु की ओर लौटे लो, शांत रहें प्रभु पर भरोसा रखें प्रार्थना करें चिंता न करें और पांचवी बात कही कि स्तुति आराधना करें और आखिरकार परमेश्वर के वचन को हम कन्फेस करें या बोलें आपको इन सब कार्यों में फ़ायदा है मैंने कहीं पढ़ा था कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था सबसे पहली बात हमें ज़्यादा ये जो नकारात्मक न्यूज़ है इससे बचना है आप जो अपने मन में फीड करेंगे वही आउटपुट निकलेगा तो क्या हमें बंद कर देना सही है सब कुछ हमें कुछ दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता लगाना है? अपने घर के अंदर बंद हो जाए नहीं इसके बदले परमेश्वर के वचन में और जाएं अपने जीवन में एक डिसिप्लिन रखें वो चाहे हाइजीन से संबंधित हो वो चाहे वचन से संबंधित हो और कोशिश करें जब आप घर में ही हो तो अपने इस टाइम को चेरिश करें अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय करें बच्चों के साथ बुज़ुर्गों के साथ As a family, enjoy the time, have a time of praise and worship. Laughter is the best medicine, ये कहते हैं and laugh, enjoy, have the joy of the Lord. परमेश्वर का वचन यही कहता है यीशु आज आपसे कहता है मेरी शांति मैं तुम्हें दिए चलता हूँ क्या आप दाऊद की तरह दाऊद भजन चार के आठ में कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है कौन हमें निश्चिंत रहने देता है चाहे आप एक कमरे में अकेले क्यों ना हो चाहे आप अपने परिवार के साथ क्यों ना बंद हो यहोवा ही है जो आपको निश्चिंत रहने में मदद करता है क्या आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज प्रभु से मांगेंगे प्रभु आपकी शांति को मैं चाहता हूँ आइए आप अपने घरों में जहाँ भी हैं विश्वास के साथ मांगेंगे तो प्रभु आप आपको आज देंगे आइए हम प्रार्थना करें स्वर्ग पिता प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु कि इस मुश्किल समय में आप हमको अपनी शांति से भरना चाहते हैं वह शांति जो समझ से परे है वह शांति जो हमारे हृदयों को और हमारे मनों को पूरी तरह उन पर कब्जा कर लेता है वह शांति जो हमारे हालातों से या परिस्थितियों के परे है प्रभु जी हम आपकी ओर आँखों को ताकते हैं लगाते हैं प्रभु जी हर एक जो सुन रहे हैं उनके जीवन में जो भय है जो भी चिंता है जो भी नकारात्मक बातें हैं उसको यीशु के नाम में मैं पूरी तरह कैंसिल करती हूँ उस पर विजय लेती हूँ प्रभु जी और आपकी शांति और आपके आनंद और आपके सामर्थ को उनके जीवन में बोलती हूँ प्रभु जी पूर्ण कब्जा ले प्रभु जी होने दे कि आप हमारे जीवन में महिमा पाए होने दे कि आप हमारे जीवन में राज्य करें आदर महिमा हम आपको देते हैं इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी आमेन